हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? मेरी वॉइस क्लियर है क्या आपको? ठीक है, ओके। तो कल की क्लास में हमने बात की थी वयोभेद की। लास्ट टॉपिक हमने ये छोड़ा था आपका, वयोभेद, यानी कि हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एज कल की क्लास में बात कर चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी कल की क्लास मिस हो गई है, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो क्लास लीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी जिन्होंने भी कल की क्लास ली थी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ? ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न का क्लासिफिकेशन, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी हमारी, जैसे हम आगे पूरा पीडियाट्रिक पढ़ने वाले हैं, पीडियाट्रिक में हम जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, जो भी टर्म हम यूज़ करेंगे, थोड़ा मॉडर्न के अकॉर्डिंग उनको देख लेते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था कि शीरप किसको बोलेंगे, अन्नाद किसको बोलेंगे, शीरा अन्नाद किसको बोलेंगे, पौगंड किसको बोलेंगे, वो आयुर्वेद का क्लासिफिकेशन था। और आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न का। तो मॉडर्न ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है, दो तरीके से इसने मेन क्लासिफिकेशन दिया है, एक तो प्री नेटल पीरियड और एक पोस्ट नेटल पीरियड। यानी कि जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि जाइगोट बन गया, वहीं से लाइफ साइकिल शुरू हो चुकी है उस चाइल्ड की, बेबी की, जिसका बर्थ होने वाला है। तो वहाँ से उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो चुकी है, उसके लिए उसका क्लासिफिकेशन भी वहीं से किया गया है। यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जो जेस्टेशनल पीरियड है, वहीं से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है ना, जेस्टेशनल पीरियड वाला, उसके अंदर जो भी फीटस होगा, एम्ब्रियो होगा, उसके क्लासिफिकेशन के लिए जो मेन टर्म आती है वो आती है प्री नेटल पीरियड। तो प्री नेटल पीरियड, इसी तरीके से पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में क्या आएगा? आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी हम बच्चे को, कितने दिन का बच्चा होगा तब हम उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, तो उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइज्ड ओवम एंड जाइगोट। या तो फर्टिलाइज्ड ओवम हो या जाइगोट। फर्टिलाइज्ड ओवम कब होगा? जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तभी तो जाइगोट बनेगा। तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, उस दिन से लेके 14 डेज ऑफ जेस्टेशनल पीरियड, यानी कि 14 डेज तक, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके अगले 14 डेज तक हम उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद 14 डेज से लेके 9 वीक तक, मंथ नहीं है, वीक है, यहाँ से ऐसे ही डिनोट करूँगी, जहाँ भी आगे आपको नोट्स में मिलेगा, वीक मैंने ऐसे ही लिख रखा है सभी जगह, ठीक है? तो 14 डेज से लेके 9 वीक तक जो उसको बोला जाएगा वो होगा एम्ब्रियो। कई कई जगह आपको 8 वीक मिलेगा, कहीं कहीं तुम आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, कोई एम्ब्रियो को 8 वीक तक बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपको ये वाला बोलना है, ठीक है? तो 14 डेज से 9 वीक तक क्या बोलेंगे हम उसे? एम्ब्रियो बोलेंगे। और फीटस कब बोलेंगे? आफ्टर 9 वीक। 9 वीक से लेके जब भी उसकी बर्थ होगी, जितने भी दिन में उसकी बर्थ होगी, चाहे वो प्री नेटल हो, चाहे वो पोस्ट हो, पोस्टपार्टम हो, कैसे भी हो, जब तक भी उसकी बर्थ होगी उसको क्या बोलेंगे हम? फीटस बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड में क्या होगा? यानी कि यहाँ पे उसकी बेबी की बर्थ हो चुकी है, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ हो चुका है, अब उसको हम क्या क्या नाम देंगे, कब तक हम उसको न्यूबॉर्न बुला सकते हैं, कब तक हम उसे इन्फेंट बोलेंगे, कब उसे हम टोडलर बोलेंगे, तो वो सारी टर्म, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, कितने दिन का वो बच्चा हो चुका है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया है। कि जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट 4 वीक को मैं 1 महीने का बच्चा कह सकती हूँ, यानी कि 1 महीने का बच्चा है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूबॉर्न बोलेंगे। यानी कि जिस दिन उसकी बर्थ हुई है, उस दिन से लेके उसके 1 महीने तक हमेशा उसको क्या बोल के बुलाया जाएगा? न्यूबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है? फिर उसके बाद उसको इन्फेंट कब बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे अप टू 1 ईयर। 1 महीने के यहाँ से लिख सकते हो आप 2 मंथ टू 1 ईयर लिख सकते हो। तो 2 महीने के बाद से और 1 साल का, जब भी उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, तब तक हम उसे क्या बोलेंगे?
इन्फेंट बोलेंगे। ये टर्म आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, बाकी एग्जाम में ऐसे टर्म नहीं पूछी जाएगी आपसे कि न्यूबॉर्न कब तक होगा, इन्फेंट कब तक होगा, फीटस कब होगा, ऐसा आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किया जाएगा। बस आगे आपको थोड़ा इजी हो जाए पढ़ना, पीडियाट्रिक भी पढ़ोगे, गाइनी में भी आपको कुछ कुछ टर्म काम आएंगी, तो पढ़ना इजी हो जाए आपके लिए, लैंग्वेज इजी हो जाए, आगे का जो भी लिखा हुआ है मटेरियल उसके लिए आपको ये टर्म बताई जा रही है। फिर उसके बाद आता है टोडलर। टोडलर यानी कि उसने घुटनों पे चलना शुरू कर दिया है, हल्का हल्का चलना शुरू कर दिया है, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे? टोडलर। तो 2 से 3 साल का जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे टोडलर। फिर होता है प्री स्कूल और एक होता है स्कूल एज। तो प्री स्कूल में आपने आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गया है कि बच्चे को प्ले ग्राउंड में डाल देते हैं, जैसे ही बच्चा 2, 2.5, 3 साल का हुआ तो स्कूल तो नहीं भेज रहे हैं लेकिन प्ले ग्रुप में भेजना, प्ले ग्राउंड में भेजना उसको शुरू कर दिया है। वो क्या होता है? प्री स्कूल एज होती है। वो वाली एज क्या होती है? प्री स्कूल। या फिर आप उसको ये भी समझ सकते हो कि जब से वो स्कूल जाना शुरू करेगा उससे जस्ट पहले वाली एज क्या होगी उसकी? प्री स्कूल। यानी कि अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब इसका थोड़े टाइम में स्कूल जाना शुरू होने वाला है, तो वो एज हो जाएगी उस बच्चे की प्री स्कूल एज। तो 3 से 6 साल का बच्चा, लेकिन आजकल ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो 4 साल का बच्चा LKG पढ़ लिया, UKG पढ़ लिया और 5 साल का होते होते तो वो फर्स्ट में आ गया। तो ये जो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमारी टर्मिनोलॉजी यही रहेंगी। आपसे प्री स्कूल चाइल्ड की एज पूछी जाएगी तो आपको 3 से 6 साल ही बताना है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे घर में मेरे भाई का बेटा है, उसने तो वो तो फिफ्थ जब 5 साल का हुआ था तब तो वो फर्स्ट में आ चुका था, यानी कि उसकी स्कूल एज ही होगी। वो वेरी करता है, लेकिन हमारा जो क्लासिफिकेशन है जो सबके लिए है, जो यूनिवर्सल है, वो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्कूल एज। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, स्कूल एज 2 की बताई गई है, बच्चे तो 2 ही, या तो फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा। तो फीमेल और मेल की जो है स्कूल एज कितनी बताई गई है? तो देखिए फीमेल जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, पढ़ने में तो लड़कियाँ ही इंटेलिजेंट होती हैं, सभी एग्री करते होंगे शायद इस बात से। तो फीमेल जो है, जस्ट ऐसे ही मजाक किया, ऐसा कुछ सीरियस मत हो जाना आपकी मैम है तो ऐसे बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, तो फीमेल जो होगी उसकी स्कूल एज क्या बताई है? 6 से 10 साल की। यानी कि जब तक कभी भी जैसी जैसा भी उसके आसपास के सोर्सेस होंगे उसके अकॉर्डिंग, अब 6 साल में मान लीजिए वो नहीं जा पा रही है तो वो 7 साल में जा सकती है, 8 साल में जा सकती है, मतलब 10 साल तक उसकी स्कूल एज रहेगी। 10 साल तक आप उसको एडमिशन करवा सकते हो तो वो जो भी होगा वो कैच हो सकता है। इसी तरीके से मेल का बताया है, वो बताया 6 से 12 साल, क्योंकि जो होंगे पढ़ने में थोड़ा नाटक करेंगे तो थोड़ा हो सकता है लेट जाना शुरू किया, मान लीजिए 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, अरे अभी तक तो स्कूल जाना ही शुरू नहीं किया है, किसने? लड़के ने। तो 6 से 12 साल तक की किसकी एज रहेगी? मेल चाइल्ड की। और जो फीमेल चाइल्ड है उसकी रहेगी 6 से 10 साल तक की। तो इस तरीके से पोस्ट नेटल पीरियड का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कब तक के आ रहे हैं? 10 या 12 साल तक का आ रहा है। फिर आता है एडोलसेंस, इसके अंदर आएगा अर्ली, अर्ली, मिडिल और लेट, 3 तरीके से इसके अंदर क्लासिफिकेशन होगा। तो जो 10 से 13 साल तक का होगा उसमें अर्ली, यानी कि अभी एडल्ट लाइफ जस्ट शुरू हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, जस्ट शुरू हुई है, इसलिए क्या हो गया? अर्ली हो गया। मिडल यानी कि मिड में, अब धीरे धीरे प्यूबर्टी आना शुरू हो रही है, मिडल मिड में आ चुका है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो गया, तो इस तरीके से। या जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया, उसके एडम्स एप्पल, वो सारे जो चेंजेस, जो वॉइस चेंजेस होते हैं, वो सारा चेंजेस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। किस में? मिडल एज में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेट। लेट कब तक रहेगा? 17 से 20 तक। तो ये तो कुछ खास नहीं है, कुछ खास आपको याद नहीं रखना, आपको थोड़ा बहुत इसको याद रखना है और ये 2 याद रखने हैं, बाकी इतनी कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। फिर देखते हैं नियोनेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? जैसे नियोनेट पीरियड हो गया, अभी हमने पढ़ा है नेटल पीरियड, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। ठीक है, तो
तो नियोनेट, मैंने कल भी आपको बताया था, नियोनेट या जब भी आप लोगों ने डेमो ली होगी तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था, नियोनेट हम किसको बोलेंगे, जैसे न्यू बॉर्न हो गया उसी तरीके से क्या हो गया, नियोनेट हो गया, तो दोनों एक ही बात होती हैं। नियोनेट यानी कि जैसे ही उसकी बर्थ हुई है उससे लेके 1 महीने तक का जो बच्चा है वो न्यू बॉर्न बोल सकते हो आप उसको, या नियोनेट बोल सकते हो, ठीक है। तो नियोनेट पीरियड भी 2 टाइप का होता है, किस तरीके से, अर्ली नियोनेट पीरियड या फिर लेट नियोनेट पीरियड। अर्ली नियोनेट पीरियड कब तक रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी बच्चा है उसकी बर्थ आज हुई है, 12 नवंबर को ही है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं ऐसा, तो पहले जो उसके 7 दिन है यानी कि आज से लेके अगले 7 दिन तक हम उसको क्या बोलेंगे, अर्ली नियोनेट पीरियड, यानी कि वो बच्चा अगले 7 दिन तक कौन से पीरियड में रहेगा, अर्ली नियोनेट पीरियड में रहेगा। यानी कि पहले जो 7 दिन होते हैं बर्थ के बाद, इजी लैंग्वेज में बात करूँ मैं तो, बर्थ के बाद पहले जो 7 दिन होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, अर्ली नियोनेट पीरियड। उसी तरीके से 7 दिन से लेके और 28 दिन यानी कि 1 महीने का होने वाला है, ठीक है। जैसे फ़ोन में रिचार्ज भी 28 दिन का ही होता है, 30 दिन का तो किसी भी फ़ोन में कोई भी प्लान नहीं आता, उसी तरीके से बच्चों में है, ठीक है, कि केवल 28 दिन तक ही मानेंगे, 30 दिन तक का नहीं माना है कहीं भी, कि जनवरी 31 तक की होती है तो जनवरी में बर्थ हुई है तो हम तो 31 दिन तक बोलेंगे कि वो 7 दिन से लेके 31 जनवरी तक नियोनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 28 डेज में ही काउंटिंग उसकी की गई है, यहाँ पे जैसे आपका फोन प्लान रिचार्ज होता है उस तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि 28 दिन का जियो का रिचार्ज हो रहा है या फिर वो, ऐसा कुछ भी कोरिलेट उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो लेट में क्या बोलेंगे, 7 दिन से लेके अगले जो 28 दिन है यानी कि ऑलमोस्ट वो 1 महीने का हो चुका है तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, लेट नियोनेट बोलेंगे, ठीक है। तो आपको नियोनेट टर्म क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका पेरीनेटल पीरियड, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल। पेरीनेटल अलग है, पेरीनेटल में क्या है, दोनों चीजें आ रही हैं। देखो प्री में तो क्या था, केवल वो जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड था उसकी बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने आफ्टर डिलीवरी कोई टर्म नहीं दी उसको, यहाँ पे केवल डिलीवरी के बाद की टर्म दी गई है सारी, यानी कि यहाँ पे जब भी, यानी कि जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसके अंदर हमने उसकी जो प्रेगनेंसी पीरियड वाली कोई टर्म नहीं दी है। तो इन दोनों को मिक्स करके जो टर्म दी गई है, यानी कि जिसमें कुछ पार्ट तो प्रेगनेंसी वाला भी ले लिया और कुछ आफ्टर डिलीवरी भी ले लिया, उसको बोलेंगे हम पेरीनेटल, क्लियर है। तो पेरीनेटल में दोनों पार्ट आ जाएंगे, प्रेगनेंसी वाला भी पार्ट आ जाएगा, जेस्टेशनल एज भी आ जाएगी उस बच्चे की, और आफ्टर डिलीवरी भी कुछ दिन तक हम उसको काउंट करेंगे। तो पेरीनेटल, केवल आपको एक्सटेंडेड भले ही याद मत रखिएगा, केवल पेरीनेटल पीरियड याद रखना है आपको। क्या होता है पेरीनेटल पीरियड, जेस्टेशनल एज में 28 वीक का जो बच्चा हो जाता है यानी कि लगभग 7 महीने का बच्चा, ठीक है, वहां से लेके यानी कि प्रेगनेंसी में ही उसको 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है फीमेल को, तो उसका जो 7 मंथ का जो बेबी है, जो फीटस है, बेबी नहीं फीटस, कहाँ, इनसाइड यूटरस, जो 7 मंथ से लेके या फिर 28 वीक से लेकर के जब उसकी बर्थ हो जाएगी, जिस दिन उसकी बर्थ हो जाएगी उससे अगले 7 दिन तक का, यानी कि उसकी लाइफ के पहले 7 दिन तक उस बच्चे को या फिर उस बच्चे के लिए कौन सा पीरियड रहेगा, वो पेरीनेटल पीरियड। तो पेरी में आपको ऐसे याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि प्री में आएगा ये या पेरी में आएगा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, प्री में तो केवल प्रेगनेंसी वाला आएगा, पोस्ट में केवल आफ्टर डिलीवरी आएगा, और जिसमें दोनों को मिक्स कर देंगे हम वो आएगा पेरीनेटल, यानी कि इसमें हमने उसके प्रेगनेंसी वाला टाइम भी मिक्स कर दिया, यानी कि 28 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी कि 7 मंथ का हो चुका है फीटस अंदर, उससे लेकर के पहले 7 दिन तक, बर्थ के बाद उसके पहले 7 दिन तक उस बच्चे को किस पीरियड में रखा जाएगा, पेरीनेटल पीरियड। तो कुछ इतना खास लोड लेने वाली बात है नहीं इसमें, इजीली आपको ये टर्म समझ में आती हैं, अगर फिर भी नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, बस आपको याद यही रखने हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया फीटस वाला थोड़ा याद रखिएगा, और यहाँ पे इन्फेंट टोडलर कोई पूछेगा नहीं, बस आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोल रहे हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये वाली टर्म मैं बहुत यूज करूंगी, जो अभी तीन टर्म आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, आगे बहुत बार यूज होंगी, इसीलिए आज ही इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना हो सकता है आपको वहां पे कंफ्यूजन हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो तीन टर्म होती हैं, प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म, इनकी मैं बहुत बात करूंगी जब भी मैं आपको परिचर्या पढ़ाऊंगी वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्री टर्म चाइल्ड कौन सा होगा, नियोनेट। नियोनेट बोल रहे हैं इसका मतलब आपको क्लियर है कि बर्थ हो चुकी है, नियोनेट कहीं भी आपको लिखा दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसकी बर्थ हो चुकी है, चाइल्ड बोर्न हो चुका है। अब हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, जेस्टेशनल पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, इनसाइड यूट्रस बात नहीं कर रहे हैं, नियोनेट देखते ही आपको समझ जाना है कि चाइल्ड बर्थ हो चुका है। तो प्री टर्म किसको बोलेंगे, जैसे कि आपको नॉर्मल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पता होगा, आपने गाइनी पढ़ी रहे हो साथ साथ, तो 40 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है, 40 to 41 वीक, यानी कि 280 डेज, कितना दिन में बात करें तो 280 डेज, या फिर मंथ में बात करें तो 9 मंथ, ये जो होता है जनरल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल एज एक हेल्दी बेबी के लिए माना गया है, ठीक है, कि इतने टाइम तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, ऐसा बोला गया है। जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसका टाइम क्या बताया गया है, 40 to 41 वीक या 280 डेज या फिर 9 मंथ, ऐसा बोला गया है। तो हम बस इसी को कंसीडर करके चलेंगे, लेकिन जो मेन है वो 40 41, लेकिन क्या है आपको पूरा दिखाना है यहाँ पे 37 से लेके 42, नहीं है यहाँ पे 41 कर लीजिएगा आप, 41 तक, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम ऑफ प्रेगनेंस सॉरी नॉर्मल टाइम ऑफ डिलीवरी 37 वीक से लेके 41 वीक में कभी भी हो सकती है, तो वो क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, टर्म बेबी। देखिए टर्म बेबी आपको एक ये याद रखना है, उसके बाद आप ये दोनों तो अपने आप ही कर लोगे, इसमें मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, यानी कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो। टर्म यानी कि अभी जो चाइल्ड, अभी जो फीटस है यूट्रस के अंदर, जो फीटस प्रेजेंट है वो, उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है, अब वो बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि सारे ऑर्गन बन चुके हैं। अब अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो बाहर वो खुद से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी की सारी एक्टिविटी अपने आप कर सकता है, यानी कि इसके लिए उसको अपनी मदर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलेंगे हम टर्म बेबी। तो यानी कि कब होगी डिलीवरी, जब जो फीटस है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो नियोनेट बोर्न बिटवीन 37 वीक to 42, मत लिखिएगा 41 लिख लीजिएगा आप, 41 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इतने वीक में अगर उसकी डिलीवरी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टर्म डिलीवरी या टर्म बेबी, ठीक है। अगर इससे यानी कि 37 वीक से, ये नॉर्मल टाइम है हमारा, आइडियल टाइम है 37 to 41, ये आइडियल टाइम है, नॉर्मल टाइम है, यानी कि इस वीक में डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी के इन वीक में डिलीवरी हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 37 वीक से पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर चाइल्ड बर्थ हो चुकी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्री टर्म। प्री मतलब तैयार नहीं था अभी, अभी तैयार नहीं है, ग्रोथ कंप्लीट नहीं है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा, या तो रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं होगा, या फिर क्या होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, या कोई ना कोई इसके जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, हो सकता है टेस्टिस ही अभी डिसेंट नहीं किए हों, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्री टर्म बोलेंगे। इसी तरीके से पोस्ट टर्म, यानी कि नॉर्मल टाइम हमने बोल दिया कि 9 मंथ तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, 280 डेज तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, या 41 वीक या 42 वीक तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, किसी भी कारण से नहीं हो रही है, लेबर पेन शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि मान लीजिए 10 महीने हो गए, 10 महीने में उसकी डिलीवरी हुई है, 10वें महीने में हुई है या 10वें महीने के भी बाद हुई है, तो उसको आप क्या टर्म दोगे, पोस्ट टर्म, यानी कि टर्म के बाद वाला जो टाइम होगा वो कौन सा होगा, पोस्ट टर्म। तो इन टर्म को आप क्लियर रखिएगा कि प्री टर्म हम किसको कह रहे हैं,
टर्म किसको कह रहे हैं और पोस्ट टर्म किसको कह रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। बार बार मैं यूज करूंगी, आपको जब मैं शिशु परिचर्या पढ़ाऊंगी वहां अलग अलग आएगा, प्री टर्म बेबी का अलग आएगा, टर्म का अलग आएगा, पोस्ट टर्म का अलग आएगा। तो इसलिए आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि किसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर कौन से वीक के बॉर्न बेबी को हम कौन सी टर्म दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लो बर्थ बॉडी वेट। ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे आपका टॉपिक है, अभी वहां पे तो नहीं पहुंचे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हेल्दी चाइल्ड होगा, फुल टर्म बेबी होगा, यानी कि जिसकी डिलीवरी 37 वीक से लेके 41 वीक के बीच में हुई है, उसका आइडियल वेट कितना माना गया। आइडियल वेट यानी कि नॉर्मल वेट जो कि एक हेल्दी चाइल्ड का होना जरूरी है बर्थ के टाइम पर। तो पीडियाट्रिक में मैंने आप लोगों ने अगर डेमो ली होगी तो वहाँ भी बताया होगा आप लोगों को कि 2500 ग्राम से लेके 3000 ग्राम, ठीक है, या फिर बोलूँ मैं 2.5 kg से लेके 3 ग्राम तक का जो, सॉरी 3 kg का जो बच्चा होगा वो उसका क्या है, आइडियल वेट है। यानी कि इतना वेट तो बर्थ के टाइम पे बच्चे का होना ही चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मदर को भी और फीटस को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, तो इतना वेट तो उसका होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक हेल्दी चाइल्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इससे उसका वेट कम होता है तो उसके लिए एक टर्म दी गई है कि डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होते ही उसका विद इन 1 आवर हम क्या लेते हैं, बच्चे का वेट ले लेते हैं कि कितने किलो का। आपने जनरली सुना भी होगा घरों में ये टर्म यूज करते हैं कि कितने किलो का बच्चा हुआ है, ऐसे करके टर्म यूज करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे पूछते हैं कि 2.5 किलो का हुआ है, 2 किलो का हुआ है, 1.5 किलो का हुआ है, इस तरीके से पूछते हैं। तो जो वेट है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या किया गया है, उसको ना उसकी टर्मिनोलॉजी की गई है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है किस तरीके से। देखिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आइडियल वेट क्या होगा, 2500 ग्राम से लेके 3000, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको इजी रहेगा समझने में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आइडियल वेट है या नॉर्मल वेट, आइडियल वेट मत लिखिएगा, नॉर्मल वेट लिखिएगा, नॉर्मल बर्थ वेट, बर्थ वेट। ठीक है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होना चाहिए बच्चे का, 250 ग्राम, सॉरी 2500 ग्राम से लेके 3000 ग्राम तक उसका वेट होना चाहिए, इतना है नॉर्मल। अगर इससे कम होता है, अगर इससे कम होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, डिलीवरी हुई उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा, अभी बच्चा आईसीयू में एडमिट है, एनआईसीयू में उसको एडमिट रखा गया है, वहीं पे अभी उसको 2-3 दिन बाद, जनरली क्या बोलते हैं, मशीन में रखा है, ऐसे बोलते हैं गांव के अंदर, रूरल जो एरिया होते हैं उसके अंदर मशीन में रखा है बच्चा, यानी कि एनआईसीयू में अभी एडमिट है, अभी उसका वेट कम था या रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर रहा था, तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन थे इसलिए उन्होंने रखा है। तो क्या बोलेंगे, अगर वेट उसका 2500 ग्राम से कम है, 2500 ग्राम से उसका वेट कम है, ये इधर का कुछ भी नहीं है, केवल इतना है, अगर बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम है तो हम क्या बोलेंगे उस बेबी को, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, यानी कि उसका बर्थ वेट जो कि 2500 ग्राम से 3000 ग्राम होना चाहिए, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, आपको अभी भी याद हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर 2500 ग्राम से उसका वेट कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट। अब ये टर्मिनोलॉजी एक पीडियाट्रिक के लिए होती है, जैसे ही डिलीवरी हो चुकी तो नर्सिंग स्टाफ आके उसको बता रहा है, जैसे ही उन्होंने वेट ले लिया वो पीडियाट्रिशियन को आके बता रहे हैं कि इतना वेट है, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे 2500 ग्राम से कम है, वो बोलेंगे लो बर्थ वेट है बेबी का। ठीक है, अगर जो है 1500 ग्राम से कम है, 1500 ग्राम से भी कम है, तो क्या होगा, वेरी लो बर्थ वेट, क्या होगा, LBW, LBW करके ही बोलूंगी अब मैं आगे, जब भी कभी भी ये टर्म आएगी तो LBW ही बोलूंगी हर बार। तो LBW क्या होगा, 1500 ग्राम से अगर वेट कम है तो LBW होगा, और एक्सट्रीमली LBW यानी कि बहुत ज्यादा कम कब होगा, 1000 ग्राम से भी अगर उसका वजन कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होगा। तो आपको अगर नॉर्मल बर्थ वेट पता है तो आप इनको इजीली लिख सकते हो, याद रख सकते हो, नॉर्मल आपको पता है 2500 ग्राम से 3000 ग्राम है, तो 1500 ग्राम से कम हुआ तो आपको वेरी लो बोल देना है।
और 2500 ग्राम से कम है तो लो बोल देना है, और एक्सट्रीमली कब बोलोगे, जब 1000 ग्राम से कम होगा। तो ये कुछ वेट को लेके बात हो गई, आगे मैं इसकी बात और भी करूंगी। ये वाला जो वापस से रिपीट होगा, ये वेट वाली चीज़ जब भी मैं आपको एग्जामिनेशन पढ़ाऊंगी वहाँ फिर से आएगा ये सब, ठीक है। फिर दो टर्म और देते हैं हम, स्टिल बर्थ और लाइव बॉर्न, दो टर्म और देते हैं। आपने सुना होगा कि फीमेल, किसी भी फीमेल की डिलीवरी हुई है उसका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है, ये बहुत सुनते हैं जनरली, सीरियल में बहुत सुनने को मिलता है। कि ये मत सोचना कि मैडम सीरियल देखती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बोलते हैं कि बच्चा मर चुका है, मरा हुआ ही पैदा हुआ है। तो वो कब बोलेंगे, वो जब बोलेंगे कि जो फीटस है वो मदर के अंदर ही उसकी डेथ हो गई है, इनसाइड यूट्रस ही उसकी डेथ हो चुकी है। तो क्या है, स्टिल बर्थ, यानी कि मृत शिशु पैदा हुआ है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अब ऐसा कब बोलेंगे, जैसे कि आपने, आपको पता होगा जो भी 9 मंथ वाला पीरियड होता है उसमें हम यूएसजी करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं। यूएसजी में हम मेनली क्या देखते हैं, उसके मूवमेंट्स को देखते हैं, फीटल हर्ट साउंड को सुनते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन कितने वीक के बाद अगर उसकी फीटल हर्ट साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही है, तब हम उसको स्टिल बर्थ बोल सकते हैं। आपने देखा होगा 6 महीने का प्रेगनेंसी थी, 6 महीने तक जो है उसकी फीटल हर्ट साउंड सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक से अभी जो है उसके जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है अंदर। तो कब बोलेंगे, 20-20 वीक के बाद, या उसके भी और बाद, जैसे 22 हो गया या 24 हो गया, उसके बाद अगर जो यूटरस है उसके अंदर बच्चे की ब्रीदिंग, हार्ट बीट, मूवमेंट, ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मतलब है इसका, स्टिल बर्थ, ठीक है। तब हम उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। तो क्या होगा, अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट फेल टू शो एन एविडेंस ऑफ लाइफ। जैसे कि लाइफ के एविडेंस क्या होते हैं, कि उसकी हार्ट बीट कर रहा है, उसका ब्रीदिंग, वो जो है रेस्पिरेशन चल रहा है, ये सारे के सारे जेस्टेशनल एज में 20 वीक या उसके बाद नहीं हो रहे हैं, यानी कि बच्चा कैसा है, स्टिल बर्थ है, मरा हुआ है। और स्टिल बर्थ कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि बच्चा डिलीवरी हो गई, डिलीवरी तक तो होने तक एकदम ठीक था, फिर अचानक से मर गया, पैदा होते ही मर गया, तो वो स्टिल बर्थ नहीं है, ठीक है। स्टिल बर्थ कब है, पैदा होने से पहले ही मर चुका है, वो हो गया स्टिल बर्थ, यानी कि मरा हुआ ही पैदा हुआ है। फिर उसके बाद आता है लाइव बोर्न, तो जस्ट अपोजिट होगी, नाम में ही क्लियर है, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट शो एन एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर, उसकी मदर से सेपरेट हो गया। इसका क्या मतलब है कि डिलीवरी हो चुकी है, मदर से सेपरेट हो गया का मतलब क्लियर है आप लोगों को, कि बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, और डिलीवरी होने के बाद वो खुद से क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर पा रहा है खुद से। क्योंकि आगे भी मैं आपको कई बार बताऊंगी कि जब भी जो प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है उसमें बच्चा ना तो खुद से रेस्पिरेशन कर पाता, ना ही उसका सर्कुलेशन, सब सारा का सारा वो किस पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन के लिए, सर्कुलेशन सबके लिए किस पे डिपेंड है, अपनी मदर पे, प्लेसेंटा के थ्रू उसको बैठे बैठे को सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन जब वो अलग हो चुका है अपनी माँ से, जब उसकी बर्थ हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, तो ये सारे काम उसे अपने आप करने पड़ेंगे। और अगर वो अपने आप ये सारे काम कर पा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइव बॉर्न, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हैं जो आपको क्लियर होंगी, और आगे भी थोड़ी थोड़ी टर्म आएंगी, वो मैं आपको साथ के साथ, जैसे भी जो भी आपका टॉपिक होगा उसके साथ आपको सारा बताती चलूंगी।